नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। तो कहानियों का सिलसिला शुरू करते हुए लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य गोदान पिछले भाग से आगे का भाग, भाग 12। रात को गोबर झुनिया के साथ चला तो ऐसा कांप रहा था जैसे उसकी नाक कटी हुई हो। झुनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच जाएगा, लोग चारों ओर से कैसी हाय हाय मचाएंगे, धनिया कितनी गालियां देगी, यह सोच सोच कर उसके पांव पीछे रह जाते थे। होरी का तो उसे भय ना था, वह केवल एक बार धाड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे। डर था धनिया जहर खाने लगेगी, घर में आग लगाने लगेगी। नहीं, इस वक्त वह झुनिया के साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं धनिया ने झुनिया को घर में घुसने ही न दिया और झाड़ू लेकर मारने दौड़ी तो वह बेचारी कहाँ जाएगी? अपने घर तो लौट ही नहीं सकती, कहीं कुएं में कूद पड़े या गले में फांसी लगा ले तो क्या हो? उसने लंबी सांस ली, किसकी शरण ले? मगर अम्मा इतनी निर्दयी नहीं है कि मारने दौड़े, क्रोध में दो चार गालियां देंगी, लेकिन जब झुनिया उसके पांव पड़कर रोने लगेगी तो उन्हें जरूर दया आ जाएगी। तब तक वह खुद कहीं छिपा रहेगा, जब उपद्रव शांत हो जाएगा तब वह एक दिन धीरे से आएगा और अम्मा को मना लेगा। अगर इस बीच में उसे कहीं मजदूरी मिल जाए और दो चार रुपये लेकर घर लौटे तो फिर धनिया का मुंह बंद हो जाएगा। झुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है, मैं क्या जानती थी तुम मेरे गले या रोग मर दोगे? न जाने किस बुरी साइत में तुमको देखा, न तुम गाय लेने आते, न यह सब कुछ होता। तुम आगे आगे जाकर जो कुछ कहना सुनना हो कह सुन लेना, मैं पीछे से आ जाऊंगी। गोबर ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम आना और कहना, मैं बाजार से सौदा बेचकर घर जा रही थी, रात हो गई है, अब कैसे जाऊं? तब तक मैं आ जाऊंगा। झुनिया ने चिंतित मन से कहा, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सैल है, मेरा तो जी कांपता है, कहीं मुझे मारने लगे तो क्या करूंगी? गोबर ने धीरज दिलाया, अम्मा की आदत ऐसी नहीं, हम लोगों तक को तो कभी तक तमाचा मारा नहीं, तुम्हें क्या मारेगी? उनको जो कुछ कहना होगा मुझे कहेंगी, तुमसे तो बोलेंगी भी नहीं। गांव समीप आ गया, गोबर ने ठिठक कर कहा, अब तुम जाओ। झुनिया ने अनुरोध किया, तुम भी देर न करना। नहीं नहीं, क्षण भर में आता हूं, तू चल तो, मेरा जी ना जाने कैसा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है। तुम इतना डरती क्यों हो, मैं तो आ ही रहा हूं। इससे तो कहीं अच्छा था कि किसी दूसरी जगह भाग चलते, जब अपना घर है तो क्यों कहीं भागे? तुम नाहक डर रही हो, जल्दी से आओगे ना? हाँ हाँ, अभी आता हूं। मुझसे दगा तो नहीं कर रहे हो, मुझे घर बेचकर आप कहीं चलते बनो? इतना नीच नहीं हूं झूना, अब तेरी बांह पकड़ी है तो मरते दम तक निभाऊंगा। झुनिया घर की ओर चली, गोबर एक क्षण दुविधा में पड़ा खड़ा रहा, फिर एकाएक सिर पर मडराने वाली धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। कहीं सचमुच अम्मा मारने दौड़े तो क्या हो? उसके पांव जैसे धरती से चिपट गए। उसके और उसके घर के बीच केवल आमों का छोटा सा बाग था। झुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती हुई दिख रही थी, उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज हो गई थी। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा झुनिया को गाली दे रही है। उसके मन की कुछ ऐसी दशा हो रही थी मानो सिर पर गड़ासे का हाथ पड़ने वाला, देह का सारा रक्त जैसे सूख गया। एक क्षण के बाद उसने देखा जैसे धनिया घर से निकलकर कहीं जा रही हो, दादा के पास जाती होगी,
शायद दादा खा पीकर मटर अगोरने चले गए हैं। वह मटर की खेत की ओर चला। जौ गेहूं के खेतों को रौंदता हुआ वह इस तरह भागा जा रहा था मानो पीछे दौड़ आ रही है। वह है दादा की मड़ैया। वह रुक गया और दबे पांव जाकर मड़ैया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला। वह पहुंचा ही था कि धनिया की बोली सुनाई दी। ओह गजब हो गया, अम्मा इतनी कठोर है, एक अनाथ लड़की पर इन्हें तनिक भी दया नहीं आती। और जो मैं भी सामने जाकर फटकार दूं कि तुमको झुनिया से बोलने का कोई मजाल नहीं है तो साड़ी सेक ही निकल जाए। अच्छा दादा भी बिगड़ रहे हैं, केले के लिए आज ठिकरा भी तेज हो गया। मैं जरा अदब करता, उसी का फल है। यह तो दादा भी वही जा रहे हैं। अगर झुनिया को इन्होंने मारा पीटा तो मुझसे न सहा जाएगा। भगवान अब तुम्हारा ही भरोसा है। मैं न जानता था कि इस विपत में जान फंसेगी। झुनिया मुझे अपने मन में कितना धूर्त कायर और नीच समझ रही होगी, मगर उसे मार कैसे सकते हैं? क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं? अगर झुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। माँ बाप जब तक लड़कों की रक्षा करे तब तक माँ बाप है, जब उनमें ममता ही नहीं है तो कैसे माँ बाप? होड़ी ज्यों ही मड़ैया से निकला, गोबर भी दबे पांव धीरे धीरे पीछे पीछे चला। लेकिन द्वार पर प्रकाश देखकर उसके पांव बंद गए। उस प्रकाश रेखा के अंदर वह पांव नहीं रख सकता। वह अंधेरे में ही दीवार से चिपट कर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, हाय बेचारी झुनिया पर निरपराध यह लोग झल्ला रहे हैं और वह कुछ नहीं कर सकता। उसने खेल खेल में जो एक चिंगारी फेंक दी थी वह सारे खलिहान को भस्म कर देगी, यह उसने न समझा था। और अब उसमें इतना साहस न था कि सामने आकर कहे, हाँ मैंने चिंगारी फेंकी थी। जिन टिकौनों से उसने मन को संभाला था वे सब इस भूकंप में नीचे आ रहे और वह झोपड़ा नीचे गिर पड़ा। वह पीछे लौटा, अब वह झुनिया को क्या मुंह दिखाए? वह 100 कदम चला, फिर इस तरह जैसे कोई सिपाही मैदान से भागे। उसने झुनिया से प्रीति और निवाह की जो बातें की थी वह सब याद आने लगी। वह अभिसार की मीठी स्मृतियाँ याद आई, जब वह अपने उन्मत्त उसासों में अपनी नसीली चितवनों में मानो अपने प्राण निकाल कर उसके चरणों पर रख देता था। झुनिया किसी वियोगी पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वहाँ नर का मत आग्रह न था, न वह उद्दीप्त उल्लास, न शावकों की मीठी आवाजें, मगर बहेलिए का जाल और छल भी तो वहाँ न था। गोबर ने उसकी एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुंचाया या नहीं कौन जाने, पर उसे विपत्ति में तो डाल ही दिया। वह संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो अपने एक साथी का बढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा। उसने द्वार पर आकर देखा तो किवार बंद हो गए थे। किवारों के दरवाजों से प्रकाश की रेखाएं बाहर निकल रही थी। उसने एक दराज से अंदर झांका। धनिया और झुनिया बैठी हुई थी, होड़ी खड़ा था। झुनिया की सिसकियां सुनाई दे रही थी और धनिया उसे समझा रही थी, बेटी तू चलकर घर में बैठ, मैं तेरे काका और भाइयों को देख लूंगी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता नहीं है, हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से देख भी न सकेगा। गोबर गदगद हो गया। आज वह किसी लायक होता तो दादा और अम्मा को सोने से मर देता और कहता, अब तुम कुछ काम न करो, आराम से बैठे खाओ और जितना दान पुण्य चाहो करो। झुनिया के प्रति अब उसे कोई शंका नहीं है। वह उसे जो आश्रय देना चाहता था वह मिल गया। झुनिया उसे दगाबाज समझती है तो समझे,
वह तो अब तभी घर आ जाएगा जब वह पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सके और दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक न समझकर कुल का तिलक समझे। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। इस अपकृति और कलंक ने गोबर के अंतस्थल को मथ कर वह रत्न निकाल लिया जो अभी तक छिपा पड़ा था। आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ और उसके साथ ही संकल्प भी। अब तक वह कम से कम काम करता और ज्यादा से ज्यादा खाना अपना हक समझता था। उसके मन में कभी यह विचार ही नहीं उठा था कि घर वालों के साथ उसका भी कुछ कर्तव्य है। आज माता पिता की उदात्त क्षमा ने जैसे उसके हृदय में प्रकाश डाल दिया। जब धनिया और झुनिया भीतर चली गई तो वह होरी की उसी मड़ैया में जा बैठा और भविष्य के मंसूबे बांधने लगा। शहर के बेलदारों को 5-6 आने रोज मिलते हैं, यह उसने सुन रखा था। अगर 6 आने रोज मिले और वह 1 आने में गुजर कर ले तो 5 आने रोज बच जाए। महीने में 10 रुपये होते हैं और साल भर में 125। वह 125 की दाता दीन और यह पटेसूरी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और झुनिया तो मारे गर्व के फूल जाए। 2-4 साल वह इसी तरह कमाता रहे तो घर का सारा दलिद्र मिट जाए। अभी तो सारे घर की कमाई भी 125 नहीं होती, अब वह अकेला 125 कमाएगा। यही तो लोग कहेंगे कि मजूरी करता है। कहने दो, मजूरी करना कोई पाप तो नहीं है और सदा 6 आने ही थोड़ी मिलेंगे। जैसे जैसे वह काम में होशियार होगा मजूरी भी तो बढ़ेगी। तब वह दादा से कहेगा, अब तुम घर बैठकर भगवान का भजन करो, इस खेती में जान खपाने के सिवा और क्या रखा है। सबसे पहले वह एक परछाई गाय लाएगा जो 4-5 शेर दूध देगी और दादा से कहेगा, तुम गौ माता की सेवा करो, इससे तुम्हारा लोक भी बनेगा परलोक भी। और क्या, 1 आने में उसका गुजर आराम से होगा। घर द्वार लेकर क्या करना है, किसी के ओसारे में पड़ा रहेगा। सैकड़ों मंदिर है, धर्मशाले हैं और फिर जिसकी वह मजूरी करेगा क्या वह उसे रहने के लिए जगह न देगा। आटा रुपये का 10 सेर आता है, 1 आने में 2.5 पाव हुआ, 1 आने का तो वह आटा ही खा जाएगा। लकड़ी, दाल, नमक, साग, यह सब कहाँ से आएगा। दोनों जून के लिए शेर भर तो आटा ही चाहिए। ओह, खाने की तो कुछ न पूछो, मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है, हलवा और पूरी खाकर भी काम चल सकता है। जैसी समाई हो वह आधा शेर आटा खाकर दिन भर मजे से काम कर सकता है। इधर उधर से उपले चुन लिए, लकड़ी का काम चल गया, कभी 1 पैसे की दाल ले ली, कभी आलू, आलू भून कर भुरता बनाया और मजे से खाकर सो रहे। घर ही पर कौन 2 जून रोटी मिलती है, 1 जून चबेना ही मिलता है, वहां भी 1 जून चबेने पर काटेंगे। उसे शंका हुई, अगर कभी मजूरी ना मिली तो वह क्या करेगा। मगर मजूरी क्यों ना मिलेगी, जब वह जी तोड़ कर काम करेगा तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता है। यहाँ भी तो सूखा पड़ता है, पाला गिरता है, ऊख में दीमक लगते हैं, जौ में गिरऊ लगती है, सरसों में लाही लग जाती है। उसे रात को कोई काम मिल जाएगा तो उसे भी न छोड़ेगा। दिन भर मजूरी की, रात को कहीं चौकीदारी कर लेगा। 2 आने भी रात के काम में मिल जाए तो चांदी है। जब वह लौटेगा तो सबके लिए साड़ियां लाएगा, झुनिया के लिए हाथ का कंगन जरूर बनवाएगा और दादा के लिए 1 मुड़ासा लाएगा। इन्हीं मनमादकों का स्वाद लेता हुआ वह सो गया, लेकिन ठंड में नींद कहा। किसी तरह रात काटी और तड़के उठकर लखनऊ की सड़क ली। 20 कोस ही तो है, सांझ तक पहुंच जाएगा। गांव का कौन आदमी वहां आता जाता है
और वह अपना ठिकाना नहीं लिखेगा। नहीं, दादा दूसरे ही दिन सिर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा था तो यही कि झुनिया से क्यों ना साफ साफ कह दिया, अभी तू घर जा, मैं थोड़े दिन में कुछ कमा कर लौटूंगा। लेकिन तब वह घर जाती ही क्यों, कहती मैं भी तुम्हारे साथ लौटूंगी। उसे वह कहां कहां बांधे फिरता। दिन चढ़ने लगा, रात को कुछ न खाया था, भूख मालूम होने लगी, पांव लड़खड़ाने लगे, कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी, बिना कुछ पेट में डाले अब चल नहीं सकता। लेकिन पास एक पैसा भी नहीं है। सड़क के किनारे झरबेरियों के झाड़ थे, उसने थोड़े से बेर तोड़ लिए और उधर को सहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई, अब मन ना माना, कोल्हार में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पीने बैठा कि एक किसान ने कहा, अरे भाई क्या निर्लाही पानी पियोगे, थोड़ा सा मीठा खा लो, अब की और चल ला ले कोल्हू और बना ले खाड़, अगले साल तक मील तैयार हो जाएगी, सारी ऊँख खड़ी बिक जाएगी, गुड़ और खाड़ के भाव चीनी मिलेगी तो हमारा गुड़ कौन लेगा। उसने एक कटोरे में गुड़ की कई पिंडिया ला कर दी। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया, तम्बाकू तो पीते होंगे। गोबर ने बहाना किया, अभी चिलम नहीं पीता। बुढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, बुरा रोग है, एक बेर पकड़ ले तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। इंजन को कोयला पानी भी मिल गया, चाल तेज हुई। जाड़े के दिन न जाने कब दोपहर हो गया, एक जगह देखा एक युवती एक वृक्ष के नीचे पति से सत्याग्रह किए बैठी थी। पति सामने खड़ा उसे मना रहा था, दो चार राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गए थे। गोबर भी खड़ा हो गया, मान लीला से रोचक और कौन जीवन नाटक होगा। युवती ने पति की ओर घूर कर कहा, मैं ना जाऊंगी ना जाऊंगी ना जाऊंगी ना जाऊंगी। पुरुष ने जैसे अल्टीमेटम दिया, ना जाएगी ना जाऊंगी, ना जाऊंगी ना जाऊंगी ना जाऊंगी। पुरुष ने उसके केश पकड़कर घसीटना शुरू किया। युवती भूमि पर लौट गई। पुरुष ने हार कर कहा, मैं फिर कहता हूँ, उठकर चल। स्त्री ने उसकी दृढ़ता से कहा, मैं तेरे घर सात जन्म न जाऊंगी, बोटी बोटी काट डाल, मैं तेरा गला काट लूंगा तो फांसी पाओगे। पुरुष ने उसके केश छोड़ दिए और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुरुषत्व तो अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया, उसके आगे अब उसका कोई बस नहीं है। एक क्षण वह फिर खरा और परास्त स्वर में बोला, आखिर तू तो क्या चाहती है। युवती भी उठ बैठी और निश्चर भाव से बोली, मैं यही चाहती हूँ तू मुझे छोड़ दे। कुछ मुंह से कहेगी, क्या बात हुई, मेरे भाई बाप को क्यों गाली दे। किसने गाली दी तेरे भाई बाप को, जाकर अपने घर में पूछ। चलेगी तभी तो पूछूंगा, तू क्या पूछेगा, कुछ दम भी है, जाकर अम्मा की आंचल में मुंह ढांक कर सो, वह तेरी माँ होगी, मेरी कोई नहीं है, तू उसकी गालियां सुन। मैं क्या सुनूं, एक रोटी खाती हूँ तो चार रोटी का काम करती हूँ, क्यों किसी की धौस सहूं, मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी नहीं जानती। राहगीरों को इस कला में अभिनय का आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने की कोई आशा न थी। मंजिल खोटी होती थी, एक एक करके लोग खिसकने लगे। गोबर को पुरुष की निर्दयता बुरी लग रही थी, भीड़ के सामने तो कुछ न कह सकता था, मैदान खाली हुआ तो बोला, भाई मर्द और औरत के बीच में बोलना तो न चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी भी अच्छी नहीं होती। पुरुष ने कौड़ी की सी आंखें निकाल कर पूछा, तुम कौन हो। गोबर ने निशंक भाव से कहा, मैं कोई हूं, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है।
पुरुष ने सिर हिलाकर कहा, मालूम होता है अभी मेहरिया नहीं आई, तभी इतना दर्द है। मेहरिया आएगी तो भी उसके छोटे पकड़कर न खींचूंगा। अच्छा तो अपनी राह लो, मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगा काटूंगा, तुम कौन होते हो बोलने वाले, चले जाओ सीधे से, यहाँ मत खड़े हो। गोबर का गरम खून और गरम हो गया। वह क्यों चला जाए, सड़क सरकार की है, किसी के बाप की नहीं है। वह जब तक चाहे वहाँ खड़ा रह सकता है, वहाँ से उसे हटाने का किसी को अधिकार नहीं है। पुरुष ने वोट चबा कर कहा, तो तुम ना जाओगे, आऊं? गोबर ने अंगोछा कमर में बांध लिया और समर के लिए तैयार होकर बोला, तुम आओ या ना आओ, मैं तो तभी जाऊंगा जब मेरी इच्छा होगी। तो मालूम होता है हाथ पैर तुड़वा कर जाओगे, यह कौन जानता है किसके हाथ पांव टूटेंगे, तो तुम ना जाओगे ना। पुरुष मुट्ठी बांध कर गोबर की ओर झपटा। उसी क्षण युवती ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचती हुई गोबर से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने में उतारू हो रहे हो जी, अपनी राह क्यों नहीं जाते, यहाँ कोई तमाशा है, हमारा आपस का झगड़ा है, कभी वह मुझे मारता है कभी मैं उसे डांटती हूँ, तुमसे मतलब? गोबर यह धिक्कार पाकर चलता बना, दिल में कहा, यह औरत मार खाने ही लायक है। गोबर आगे निकल गया तो युवती ने पति को डांटा, तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो, उसने कौन सी बुरी बात कह दी थी कि तुम्हें चोट लग गई, बुरा काम करोगे तो दुनिया बुरा कहेगी ही, मगर है किसी भले घर का और अपनी बिरादरी का ही जान पड़ता है, क्यों उसे अपनी बहन के लिए नहीं ठीक कर लेते। पति ने संदेह के स्वर में कहा, क्या अब तक कुमारा बैठा होगा, तो पूछ ही क्यों ना ले। पुरुष ने 10 कदम दौड़कर गोबर को आवाज दी और हाथ से ठहर जाने का इशारा किया। गोबर ने समझा शायद फिर इसके सिर भूत सवार हुआ, तभी ललकार रहा है, मार खाए बिना ना मानेगा, अपने गांव में कुत्ता भी शेर हो जाता है, लेकिन आने दो। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार न थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसने गांव और नाम और जाति पूछी, गोबर ने ठीक ठीक बता दिया, उस पुरुष का नाम कोदई था। गोबर ने बताया उसके मौरूसी 5 बीघे खेत है और 1 हल की खेती होती है। मैंने तुम्हें जो भला बुरा कहा उसकी माफी दे दो भाई, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, औरत गुण सहूर में लक्ष्मी है, मुदा कभी कभी न जाने कौन सा भूत इस पर सवार हो जाता है, अब तुम ही बताओ माता पर मेरा क्या बस है, जन्म तो उन्होंने दिया है, पाला पोसा तो उन्होंने ही है, जब कोई बात होगी तो मैं जो कुछ कहूँगा लुगाई से कहूँगा, उस पर अपना बस है, तुम ही सोचो, मैं कुपत तो नहीं कह रहा हूँ, हाँ मुझे उसके बाल पकड़कर घसीटना ना था, लेकिन औरत जात बिना कुछ तारना दिए काबू में भी तो नहीं रहती, चाहती है माँ से अलग हो जाऊँ, तुम ही सोचो कैसे अलग हो जाऊँ और किससे अलग हो जाऊँ, अपनी माँ से जिसने जन्म दिया, यह मुझसे ना होगा, औरत रहे या जाए। गोबर को भी अपनी राय बदलनी पड़ी, बोला, माता का आदर करना तो सबका धर्म ही है भाई, माता से कौन उरीन हो सकता है। कोदई ने उसे अपने घर चलने का न्योता दिया। आज वह किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता, कोस दो कोस जाते जाते सांझ हो जाएगी, रात को कहीं ना कहीं टिकना ही पड़ेगा। गोबर ने विनोद किया, लुगाई मान गई, न मानेगी तो क्या करेगी, मुझे तो उसने ऐसी फटकार बताई कि मैं लजा गया, वह खुद पछता रही है, चलो जरा माताजी को समझा देना, मुझसे तो कुछ कहते नहीं बनता, उन्हें भी सोचना चाहिए कि बहू को बाप भाई की गाली क्यों देती है, हमारी ही बहन है,
चार दिन में उसकी सगाई हो जाएगी, उसकी सास हमें गालियां देगी तो उससे सुना जाएगा? सब दोष लुगाई का नहीं है, माता का भी दोष है। जब हर बात में वो अपनी बेटी का पक्ष करेगी तो हमें बुरा लगेगा ही। इसमें इतनी बात अच्छी है कि घर से रूठ कर चली जाए, पर गाली का जवाब गाली से नहीं देती। गोबर को रात के लिए कोई ठिकाना चाहिए था, कोदई के साथ हो लिया। दोनों फिर उसी जगह आए जहाँ युवती बैठी हुई थी। अब वह गृहिणी बन गई थी, जरा सा घूंघट निकाल लिया था और लजाने लगी थी। कोदई ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो आते ही ना थे। कहते थे ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाएं? युवती ने घूंघट की आड़ से गोबर को देख कर कहा, इतनी ही डांट में डर गए? लुगाई आ जाएगी तब कहाँ भागोगे? गांव समीप ही था। गांव क्या था, पुरबा था, 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरैल के थे आधे फूस के। कोदई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर एक दरी डाल दी, शरबत बनाने को कह चिलम भर लाया और एक क्षण में वही युवती लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का एक छींटा मारकर मानो क्षमा मांग ली। वह उसका नंदोई हो रहा था, फिर क्यों ना अभी से छेड़छाड़ शुरू कर दे। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य गोदान, पिछले भाग से आगे का भाग, भाग 12। धन्यवाद।